हिमाचल की सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होगा। 14 मार्च से 6 अप्रैल के बीच चलने वाले इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। मिशन डिनोटिफाई सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष बजट सत्र में काफ़ी आक्रामक रुख अपना सकता है और सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। वहीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का, सुने। इस सत्र में कुल मिला के 18 बैठकें होंगी। 14 मार्च 2023 को चूँकि ये पहला दिन है, इसलिए प्रश्नकाल से पहले शोको उद्गार होते हैं, ऑबिचुरीज होती हैं, और इस बार एक माननीय सदस्य हमारे बीच में जो पूर्व सदस्य हैं वो नहीं रहे हैं, श्री मनसाराम जी, उनके शोकोद्गार होंगे उस दिन। और 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जो है सत्र में वो बजट पेश करेंगे, जैसा आपको आप जानते हैं, प्रेस में हमने पहले भी बोला, जो वर्ष 2023 और 24 के वित्तीय अनुमान हैं उनको सदन में प्रस्तुत करेंगे। 16 मार्च तथा 24 मार्च को, मतलब ये कैलेंडर 17 को तो बजट होगा, बजट के बाद अवकाश है, फिर सोमवार को जाके इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी, 17 को फ्राइडे है, और वीरवार को यानी 16 मार्च और अगला जो वीरवार 24 मार्च आएगा उसमें जो है गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर्स डे है, जिसमें रेजोल्यूशंस आएंगे, और 20, 21, 22, 23 मार्च को 4 दिन को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी, और जिसका अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। 27, 28, 29 मार्च 3 दिन ये जो है चर्चा का उत्तर भी उसमें आएगा, और उसके बाद 27, 28, 29 को 3 दिन को जो हमारी डिमांड्स हैं बजट की उनके ऊपर चर्चा होती है, कट मोशंस आते हैं, और 29 मार्च को जो है ये 27, 28, 29 3 दिन चर्चा होके 29 को बुलेटिन लगेगा, और 29 को 4 बजे जो नोटिफाई हम कर देंगे ये बजट पास हो जाएगा। बता दें कि 13 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों से सदन की कार्यवाही शांतिप्रिय ढंग से चलाने की अपील की जाएगी। आज बजट सत्र को लेकर विधानसभा प्रेस गैलरी सदस्यों की बैठक का भी आयोजन किया गया।